हेलो हाय नमस्ते गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हो रही हैं 12 और आज है 21 अक्टूबर, और अभी मैं जा रही हूँ कुणाल के स्कूल क्योंकि वहाँ पे है मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो चलो आपको भी ले चलती हूँ साथ में। और यहाँ पे बैठा है कोको जो कि तैयार हो रहा था मेरे साथ जाने के लिए और मैंने मना कर दिया, तो मुँह लटका के बैठा है। बाय बाय बाय। तो चलते हैं, और ये बर्तन वाली दुकान फिर लग गई यहाँ पे, और ये हमारी कार, और ये मेरा बेल काफ़ी लंबा हो चुका है। पहले जब मैं हाथ लगाती तो मैं यहाँ पहुँचती थी, लेकिन अब ये काफ़ी लंबा हो गया। तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो बाकी लेडीज़ भी आ रहे हैं और कुछ लेडीज़ पहुँच चुके हैं ऊपर। और अभी हम पहुंच चुके हैं मंडी, और यहाँ पे सानू जी को और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पिज्जा खाने। और ये है यहाँ का व्यू, मंडी का व्यू। देखिए सुंदर। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। बहुत सुंदर नाम है माही का। नाम पढ़ती हो किस क्लास में? अच्छा, घर कहाँ पे? बाईपास। और अभी हम आए हैं पिज्जा खाने। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? पिज्जा। और अभी हम फिर से पहुंच गए कॉम्प्लेक्स में क्योंकि हमें लेना है कुणाल के लिए यूनिफॉर्म। और ये गुंडा बच्चा देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर आए हैं कुणाल के लिए बैग लेने, और हमें यहाँ पे बैग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये हो गई मेरी शॉपिंग, और ये हमारी मोमोज। और अभी हम आए हैं राशन लेने, और वहाँ पे हमारी पेटी तैयार हो रही है। मार्केट में रश देखें शाम के टाइम। और यहाँ बन रहा है शॉपिंग मॉल। हाय, हमारी नज़र किस में मामा बताओ? और इनकी नज़र है वहाँ पे, वहाँ पे। इतना खा कर आया आज तो, फिर भी अब हम चल पड़े हैं घर। अभी टाइम हो रहा है 6:12। गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे, और आज है संडे, और सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज सुबह बहुत सारे काम थे। और ये पीछे बैठा है कुणाल। कुणाल हाय करो। हाय। और यहाँ पे है कोको। कोको हाय करो, कोको हाय करो। ये नहीं करता हाय।
और सुबह से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, तो कुछ कपड़े हैं ये और कुछ सूख चुके हैं जो पिछले कल मैं मंडी गई थी कुणाल की शॉपिंग के लिए, तो कुणाल की शॉपिंग कुछ नहीं हुई, तो वो तो मेरी शॉपिंग हो गई। वैसे मेरा कुछ मन नहीं था शॉपिंग करने का, वो कुणाल के पापा ने दिलवा दी मुझे, तो अगर आपको वो शॉपिंग देखनी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथ में मतलब थोड़ी बच्चों की आउटिंग हो गई, क्योंकि पिछली बार जब हम पिछले संडे को जब हम बेबी से मिलने गए थे ना, तो बच्चों का बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का, और तो कैश हमारे पास था नहीं और फ़ोन पे उस दिन चल नहीं रहा था, सुबह चल रहा था लेकिन उसके बाद फिर फ़ोन पे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से इनका जो पिज़्ज़ा की जो पार्टी थी वो रह गई थी। तो हमने कहा चलो बच्चों को पिज़्ज़ा भी खिलवा के लाते हैं, और जो कुणाल के थोड़े यूनिफॉर्म थे वो भी दिला देते हैं इसे, तो वो नहीं हो पाया। और कुणाल के पापा गए थे दिल्ली, और वहाँ से भी वो आ चुके हैं, और अभी गए हैं वो लकड़ी लाने। एक्चुअली जो भैया है ना उनके दोस्त, तो उन्होंने अपने खेतों में लकड़ी काटी और उन्होंने हमें दी है वो, तो वो गए हैं मज़दूरों के साथ में, और उनके साथ जो है वो उसे गाड़ी में डालकर लेकर आएंगे लकड़ियाँ यहाँ पे। और उनके लिए मैंने खाना भी बना दिया है, चने की दाल और चावल जो मज़दूर रहते हैं उनके लिए, तो ऐसा सा था। और यहाँ पे काट रहे हैं लकड़ियाँ, देखो ये नेपाल से आया लड़का, बहुत बात करता है ये नेपाली लड़का। किधर से आया, नेपाल से आया ना? नहीं, घर से। कहाँ पे? घर कहाँ पे? नेपाल में ना? नेपाल में नहीं, टूटे के घर। वही था पिछले कल का और आज का ब्लॉग, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।